सो हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज है संडे और यहाँ जो है ना नैनो आज हमारे आएगी, तो डॉक्यूमेंट्स का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। और वैसे तो इनका नाम मुझे पता है, सोनू नाम से है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में आपका कोई और नाम है ना? श्रवण। श्रवण नाम है इनका। और इनको तो आप जानते ही हैं, ये प्रशांत है। प्लीज बैठे। तो यहाँ भैया ने ना सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए थे और हम एक्चुअली चले गए थे 1 वीक के लिए, आप लोगों को पता ही है। तो आज ये जो डॉक्यूमेंट है सब एक दूसरे को देख लेंगे, जैसे भी रिक्वायरमेंट है। प्रशांत, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए? ठीक है भाई साहब, आपने भी? हाँ जी, थम्स अप करें प्लीज। डन डन, ये लो। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स ले लो। ये हमने गाड़ी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं भैया को दे दिए हैं, और आप सारी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल है। ठीक है भाई साहब, आप गाड़ी खरीद के कैसा महसूस कर रहे हैं? माइक दीजिए इनको। हमने खरीदी नहीं है, हमारे को गिफ्ट मिली है। ओके ओके, भाई साहब गिफ्ट ले रहे हैं। हाँ, बहुत ही अच्छे तालुकात हैं हमारे 1.5-2 साल से भाई साहब के साथ। और हाँ, जाने का जरूर दुख हो रहा है। हाँ, ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से जा रहे हो तो मुझे बहुत दुख होगा। दुख तो हमें भी है, लेकिन क्या करें भैया, जाना पड़ेगा ही। आज आपकी वाइफ से भी बात हुई थी? बड़े वाइफ तो आना चाहती थी, जाएंगी जाएंगी, कोई बात नहीं। चलो ठीक है ना। और इनका मेरे पास फोन नंबर भी है, तो जब आप गाड़ी घर ले जाओ ना, तो वो सारी फोटोज मुझे व्हाट्सअप कर देना आप। मैं इस वीडियो के साथ लिंक में लगा दूंगी, ताकि देखें कैसा महसूस हो रहा है नए घर में गाड़ी को। मुझे वैसे पर्सनली मेरी नैनो बहुत अच्छी लगती थी। आपके पास है? लेकिन अब है तो यही सोचो कि आप घर में ही है मेरे ही, लेकिन डिस्टेंस हो गया है कि अब मैं उसे चला नहीं पाऊंगी, इस बात का मुझे दुख है। ये भाई साहब गाड़ी रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जब अमृतसर आए आपकी गाड़ी आपके पास आ जाएगी। हाँ, ये कह रहे हैं कि जब भी आप अमृतसर विजिट करने आएंगे तो मैं गाड़ी लेके आपको मिला करूंगा। चलो देखते हैं, दुख इसी बात का है कि एक बार यहाँ से जाने के बाद कोई पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा वापस कभी इन लोगों से मिलने में। चलिए कोई बात नहीं। और ये आरसी, ये हमने आरसी भी भैया को हैंडओवर कर दी है। ये लीजिए भैया आरसी, इसकी उसकी वारंटी कार्ड है। ठीक है, वारंटी कार्ड है। ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हमारे पास थे हमने सब, उसका जो बैटरी लगी हुई, बैटरी
अपने यहाँ डॉक्यूमेंट्स की जो सिग्नेचर्स वगैरह हैं वो सब कंप्लीट हो गए हैं। चाबी कब लेके जाओगे? चाबी दे दो। दे दो। चाबी ला दो। ठीक है, तो ये चाबी भी हमने भैया को दे दी है। बड़ी खुशी महसूस हो रही है इनको। थैंक यू। तो हाँ, फाइनली आज जो नैनो है वो इनके पास जा रही है। तो चलिए भाई साहब, कंग्रेचुलेशंस, आपने कार ली है आज। छोटी है लेकिन बहुत अच्छी है। मेरी बहुत अच्छी, मेरी को तो बहुत पसंद थी। बस किसी कारणवश से देनी पड़ रही है। चलिए ठीक है। तो ये खड़ी मेरी नैनो, जिसको मैंने कल ही साफ किया था। हमने इसमें लास्ट ड्राइव भी कल ले ली थी कि फिर ये पता नहीं आज या कल में चली जाएगी यहाँ पर। तो देख लो जो कुछ आपने देखना है। वैसे भाई साहब पहले भी ड्राइव करके देख चुके हैं। इधर आ जाओ। तो चाबी दोबारा आपको चाबी दी जाए। ये लो। नहीं, ये तो मैंने वीडियो में डालना है यार, वीडियो लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ जो है ना भैया आ गए हैं नैनो को ले जाने, और बारिश भी आ गई है क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो साइड हो जाए प्रशांत, ये हमारी नैनो जा रही है लास्ट टाइम। प्रशांत आपको दुख है, इतनी हमारी पुरानी गाड़ी है। हमने तकरीबन इसको 8 साल अपने पास रखा और सर्विस वगैरह इसकी बहुत अच्छी, मतलब कभी इसने हमें धोखा नहीं दिया। रोड पे कभी रुकी नहीं। बाय बाय नैनो। नहीं तुम्हारी गाड़ी जा रही है दूर और दूर जा रही है। ये देखिए चली गई है नैनो अब हमसे दूर। थोड़ा सा मैं और जूम करके दिखा देती हूँ। नायला हमारी गाड़ी चली गई। और नायला को देखिए, मैं इसमें स्कूल बैग में ले, इसको ले जाती थी ना स्कूल, इससे माय कार। नायला बैग बैग लेके यहाँ रेडी है कि सही उस पे मैं जा रही हूँ स्कूल। बैग लेके तैयार है नायला। और नैनो चली गई है। तो गर्मी बहुत हो गई है आप देख सकते हैं, इसीलिए आज बारिश आई है। देखते हैं इसके बाद मौसम में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं। तो चलिए, नैनो का मुझे जाने का बड़ा दुख है, लेकिन किसी के घर ये जाके खुशियां देगी उस चीज के लिए मैं ज्यादा खुश हूँ। तो जैसा मैंने भाई साहब से कहा था कि जब ये गाड़ी उनके घर जाए तो क्लिप्स मेरे साथ, फोटोज मेरे साथ शेयर करें, तो उन्होंने 9:16 में वीडियो बना के डाल दी है। तो कोई जैसी भी है मैंने इसके साथ ही अटैच कर दी है। बस देखिए कितनी खुशी है उस परिवार में कि एक गाड़ी जो है वो आई है, और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि एक अच्छी फैमिली इस कार को मिली जो इसका देख रेख रखेगी। और बच्चे भी बहुत खुश हैं कि चलिए नई कार उनके यहाँ गई है एक। और बस यही चाहिए था कि जो खुशी है ना वो बस मिले। बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं इनके, ये देखिए कितनी मतलब प्यारी स्माइल है बच्चे की। इसको देख के बस कोई भी दूसरी इच्छा नहीं है कि किसी की, हमारी कारण किसी के यहाँ खुशी आई है। तो